दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चूजे की कहानी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल कहानी है लेकिन इसके अंदर जो मोरल जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, यानी इसमें सीखने लायक बहुत कुछ है। कहानी बहुत सिंपल है। तो क्या होता है कि एक बार एक पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे एक मुर्गी का घोंसला होता है और उसी पेड़ के ऊपर एक चील का भी घोंसला होता है। तो मुर्गी भी अंडे देती है और चील भी अंडा देता है। ठीक है, तो अंडा क्या होता है कि एक चील का जो अंडा होता है वो आके मुर्गी के अंडे में मिल जाता है। तो मुर्गी जो होती है वो अपने बच्चे को, अपने अंडों को अपना बच्चा समझती है और उस अंडे को भी सेक देती है जो चील का होता है। तो चील का अंडा भी वो सेक देती है क्योंकि चील का अंडा जो है वो सेम साइज का होता है मुर्गी के अंडे के। अब वो दोनों अंडों को सेकती है और उसके जो एक दो हफ्ते बाद चूजे जन्म ले लेते हैं। ठीक है, तो जब वो जन्म ले लेते हैं तो उसमें से एक जो था, क्योंकि वो चील का बच्चा था, तो क्या होता है कि चील का बच्चा अलग दिखता है। तो उसकी माँ को लगता है कि थोड़ा अलग हो गया होगा वो पैदा, तो वो उनके साथ ही जीने लगता है चूजों के साथ। फिर एक दिन जो वो चूजा है वो देखता है कि, मतलब चील का जो बच्चा है वो देखता है कि आसमान में तो मेरे जैसे दिखने वाले उड़ रहे हैं, ये तो एकदम आसमान के बादशाह हैं, सारे के सारे चील हैं, मैं भी उन्हीं बादशाहों की तरह दिखता हूँ जो आसमान में उड़ रहे हैं। तो लगता है कि मेरी जात के लोग तो यही है और जो बादशाहों की तरह आसमान में उड़ रहे हैं, तो उसको लगता है कि मैं भी इसी जाति का हूँ। तो वो जाता है और अपने साथ वाले चूजों को बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरा जन्म बादशाह की तरह हुआ है, आसमान में उड़ने के लिए हुआ है। तो बाकी सब बोलते हैं अरे तुम अपने होश में तो हो, ये तुम ऊपर उड़ने की बात करते हो, तुम्हें ऊपर नहीं उड़ना है, तुम्हें नीचे रहना है, नीचे ही खाना खाना है, नीचे ही अपनी ज़िंदगी मतलब गुजारना है। ठीक है, ऊपर नहीं जाना है, हमारा संबंध ऊपर से नहीं है। तो कहता है कि चलो ठीक है। फिर कुछ दिन और बीत जाते हैं, वो देखता है कि उसके पंख तो बाकियों से बड़े हो रहे हैं, उसको लगता है कि बिल्कुल मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। ठीक है ना, तो उसे लगता है मेरी जात बिरादर के लोग तो आसमान में उड़ रहे हैं, तो मेरी जात बिरादर जैसे ही दिखते हैं वो, तो वो जब आसमान में उड़ सकते हैं तो मैं भी उड़ सकता हूँ क्योंकि मेरे भी पंख हैं। तो फिर वो दोबारा उन जाके चूजों को बताता है सबको, तो सब डांटते हैं है? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, तुम पागल हो गए हो, तुम नहीं उड़ सकते, तुम हमारे साथ ही नीचे रहो, ऊपर मतलब तुम्हें आसमान में उड़ना नहीं है। तो वो चील का बच्चा समझाता है कि देखो मेरे पर है, मैं ऊपर जो आसमान में बादशाह की तरह उड़ रहे हैं चील उनकी तरह हूँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम हमारे ही साथ रहो, तुम्हें उड़ने उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसकी वो पिटाई भी कर देते हैं। उसके बाद से वो मान लेता है कि उसको नीचे ही रहना है, उसके बाद वो हिम्मत छोड़ देता है और वो बेचारा चूजे की तरह जीवन बिताता है और नीचे ही रह के मर जाता है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसे हमें ईश्वर ने बेहतर बनने के लिए पैदा किया है, ठीक है, तो हमें जो ईश्वर ने पैदा किया है वो बेहतर बनने के लिए पैदा किया है, और बेहतर हम तभी बन सकते हैं जब हम राय जो है उन लोगों से लें जो बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। और लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हम, हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम चूजे जैसे लोगों से, जिनकी कोई औकात नहीं है, उन लोगों से हम सलाह ले रहे हैं, हम उनसे पूछताछ करते हैं, उनसे आइडिया लेते हैं, उनसे अपने दायरे और उड़ने की बात पूछते हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे पतन का मेन कारण है दूसरों से सलाह लेना, तो हमें चाहिए कि हम बेहतर लोगों से, अपने अध्यापक से, अपने माता पिता से, या जो काबिल लोग हैं उनसे ही बढ़िया सलाह लें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो अगर कोई हमसे कहता है कि ये काम तुम्हारे बस की नहीं है, ये काम तुम्हारे बस की नहीं है, वो काम तुम्हारे बस की नहीं है, तो वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो हमें उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए और हमें निडर होके जो कठिनाई वाले काम जो हमें लगते हैं वो हमें करने चाहिए।
हमें दूसरों की बातों में आके छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।